तो दोस्तों, आज मैं जिस एनिमे का रिव्यू करने वाला हूँ उस एनिमे का नाम है किंडाइची केस फाइल्स। कितने लोगों ने यह एनिमे का नाम सुना ही नहीं होगा। यह एनिमे मैंने अब तक पूरा कंप्लीट नहीं किया हूँ, लेकिन मैंने अब तक जितना देखा हूँ उस हिसाब से यह एनिमे का लेवल बहुत गजब है। इसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत है जापान में। और जिसे नहीं पता कि इसका जानरा क्या है तो मैं बता देता हूँ, ये एक क्राइम ड्रामा एनिमे है। जिन लोगों ने देखा है उन्हें तो पता है कि ये कितना कमाल है। जो लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब दोस्तों बहुत हो गई बातें, अब जाते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। देखो दोस्तों, इस एनिमे के मेन हीरो का नाम हाजिमे किंडाइची है। ये एक हाई स्कूल डिटेक्टिव होता है। इसे भी अनसॉल्व केसेस को सॉल्व करने के लिए जाना जाता है। लेकिन जब तुम इसे देखोगे ना तो तुम लोग बोलोगे ये कोई एंगल से डिटेक्टिव नहीं लगता है। इसे राइटर ने ऐसा बनाया ही है कि लगे ठरकी और ड्रामेबाज। ये अपनी बचपन की फ्रेंड मियुकी के साथ हमेशा घूमता रहता है। देखो दोस्तों, इस एनिमे में इसका ग्रैंडफादर भी बहुत बड़ा नामचीन डिटेक्टिव होता है जो कि मर गया होता है। तो ये अपने ग्रैंडफादर के नक्शे कदम पर ही चलता है और एक डिटेक्टिव बनता है। किंडाइची के डिडक्शंस तुम लोग देखोगे ना इतने माइंड ब्लोइंग होते हैं कि तुम लोग बोलोगे कि साला क्या बोल दिया इसने। तो अब दोस्तों, ये तो एक क्राइम ड्रामा एनिमे हो गया जिसमें हीरो मास्टर प्लान केसेस को सॉल्व करता है जिसे बड़े बड़े माइकलाल नहीं सॉल्व कर पाते। मैं अभी बोल देता हूँ जो प्लॉट के भूखे हैं, जिन्हें सीधा स्टोरी से मतलब है और जिसे कैरेक्टर डेवलपमेंट देखना बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो यार वो इस एनिमे को मत देखना क्योंकि इसकी स्टोरी थोड़ी लेट स्टार्ट होती है। जितना मैंने सुना है, मैं खुद इसकी स्टोरी पर अब तक पहुंचा नहीं हूं, पर फिर भी ये एनिमे इतना गजब है कि मुझे मालूम नहीं पड़ता कि इसका एपिसोड कब खत्म हुआ। इसका एक एपिसोड देखो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है। इसके हर एक केस 3 एपिसोड के होते हैं और इस एनिमे में हीरो को टक्कर देने वाले बहुत डिटेक्टिव्स हैं। उसमें से एक डिटेक्टिव आकेची है, उसका इंटेलिजेंस बस तुम देखना, बहुत ऑसम कैरेक्टर है वो। मैं ये एनिमे तुम लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ जापान में पॉपुलर है, बाकी कंट्रीज में तो बहुत अंडररेटेड। सब एनिमे को यार एक चांस तो मिलना ही चाहिए। तुम लोग देखना और कमेंट्स में बताना ये एनिमे तुम लोगों को कैसा लगा। जब तुम लोग देखोगे ना तुम लोग खुद बोलोगे ये एनिमे तुमको सोचने पर मजबूर कर देगा कि साला ये लोग कैसे कर रहे हैं ये। तुम्हें तो यार पता ही होगा 90s और 2000s में कैसा वन पीस, नारुतो, ड्रैगन बॉल जी और ब्लीच चला करते थे शोनन कैटेगरी में। वैसे ही सेम क्राइम जानरा में डिटेक्टिव कोनेन, तांते गाकुएन और किंडाइची केस फाइल्स, ये सब जापान के बेस्ट मांगा थे उस वक्त के। अब मैं तुम लोगों को बता दिया हूँ कि ये कैसा है, अब तुम लोगों के ऊपर है इसे देखना है कि नहीं। और जो इस एनिमे को देख चुके हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम लोगों को कैसा लगा। इस एनिमे का बस एक डिसएडवांटेज है कि ये लॉन्ग रनिंग है। इसके 3 सीजन है और इसका फर्स्ट सीजन तो काफ़ी बड़ा है, कुछ 150 एपिसोड का है। 150 एपिसोड का बड़ा ही हुआ ना यार। और कितने लोग लॉन्ग रनिंग पसंद नहीं करते, फिर भी अब तुम लोगों के ऊपर है देखना है कि नहीं। मैंने तो तुम लोगों को बता दिया हूँ। तो अब बस आज के लिए बस इतना ही। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, अरिगातो गुज़ाए।